बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन एंड सेव एट योर होम। डियर स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास फ्रॉम चैप्टर नंबर 11, जैसे कि हम केमिकल रिएक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्रॉम 1 वीक, सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर से लेते हैं और वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में तो काफ़ी कुछ पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, कैसे उसको बैलेंस किया जाता है, उसमें क्या क्या होता है। अब हम उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसमें है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स तो काफ़ी सारी हैं केमिकल रिएक्शन की, बट हम 3 टाइप्स उसकी डिस्कस करेंगे, जिसमें द फर्स्ट वन इज़ सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। 2 or more substances react to produce a single new substance is known as synthesis reaction। जैसे कि उसके नेम से पता चल रहा है, कुछ चीज़ न्यू चीज़ सिंथेसाइज करना। कोई भी दो सब्सटांसेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो एक सिंगल जो कोई सब्सटेंस बनाते हैं उसको हम सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जो रिएक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट लेक्चर में, और जो फॉर्मेशन होती है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। इट्स मीन्स कि जब 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दिस रिएक्शन इज़ नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। अब आप सिंथेसिस ऑफ एलिमेंट्स देख सकते हैं इसके अंदर। फर्स्ट एग्जांपल में आप देखें, कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो फॉर्मेशन हुई कार्बन डाइऑक्साइड की। मींस 2 रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर रहे हैं और फॉर्मेशन किसकी हो रही है, एक प्रोडक्ट की हो रही है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में भी CaO रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ, फॉर्मेशन क्या हो रही है, CaOH होल ट्वाइस। मींस 2 रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और फॉर्मेशन किसकी हो रही है, एक प्रोडक्ट की हो रही है। इसी तरह फिर CO रिएक्ट कर रहे हैं O2 मीन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, फॉर्मेशन क्या हो रही है, 2CO2 मीन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। इन सब रिएक्शंस में क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और 1 प्रोडक्ट हमें मिल रही है, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं इसी की एग्जांपल, जिसमें क्या है, सिंथेसिस हो रही है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, फॉर्मेशन हो रही है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मींस इसमें भी क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, सेकंड टाइप क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, उसके ऑपोजिट आ जाता है, व्हेन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 or more सिंपलर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में, आपको याद हो, देखा था सिंथेसिस में क्या था, 2 सब्सटेंसेस 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, और अब डिकम्पोजिशन में क्या है, वो एक प्रोडक्ट टूट के ब्रेक डाउन होके हमारे पास 2 रिएक्टेंट बना रहा है। इसी में देखें, आप फर्स्ट वन में देखें वाटर की डिकम्पोजिशन होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनता है। इसी तरह ग्लूकोज, इसकी है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी रिलीज होती है, एक ये हो गया। फिर H2O2, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट कर देगा। इसका मतलब बताने का ये है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कोई कंपाउंड ब्रेक होके 2 or more than 2 simpler प्रोडक्ट्स बनाता है। मींस इसमें फर्स्ट वन जो होता है उसकी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है और उसके रिजल्ट में 2 प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स में और भी देख लेते हैं, फार्मूला हमें रिप्रेजेंट करेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, कि ए बी जो हैं वो ब्रेक डाउन होके ए एंड बी को सेपरेट कर रहे हैं। इसी तरह से अब आप एग्जांपल में देखें, फर्स्ट वन में सोडियम और क्लोरीन जो है वो क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। इसी तरह से फर्स्ट वन में क्या एडिशन रिएक्शन है, इसी के सेकंड में आप देखें डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, NO2 की ब्रेक डाउन हो रही है एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बन रही है, ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। इसमें भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ रिएक्शन दिए हैं, इसमें आप आइडेंटिफाई करें कि एडिशन और डिकम्पोजिशन, मीन सिंथेसिस और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थर्ड वीडियो भी क्या है, डिकम्पोजिशन, क्योंकि एक जो वो है कंपाउंड है वो डिकम्पोज होकर 2 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसी तरह फोर्थ वन भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और फिफ्थ वन क्या है, एडिशन रिएक्शन है, बिकॉज उसमें क्या हो रही है,
एडिशन हो रही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें थर्ड टाइप है और जिसमें एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, मींस एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और वाटर एंड साल्ट बन जाएगा। इसमें ये होता है कि एसिड भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बेस भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और वाटर और साल्ट की फॉर्मेशन होती है। सॉरी, ये लेबलिंग में थोड़ा मिस्टेक आ गया। वाटर जो है H2O है और साल्ट जो है वो KCl है, मीन्स पोटाशियम क्लोराइड साल्ट है एंड H2O वाटर है। इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, और इसके अंदर KBr पोटाशियम ब्रोमाइड क्या है, साल्ट, और ये KOH बेस है, इसमें साल्ट मिसिंग हो गया और फॉर्मेशन किसकी हो रही है, ये प्रीवियस उसी को देख लें आप पिक्चर को। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या है कि एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो रही है, सॉल्ट एंड वाटर की। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आ गई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आई होप आप उसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन आस्क क्वेश्चन।